किया था, लेकिन बुरी बात ये थी कि होम ग्राउंड में पाकिस्तान हार गया। जीतना चाहिए था, लेकिन फिर भी गेम होती है तो हार जीत तो होती रहती है। पाकिस्तान को जीतना चाहिए था, अच्छा भला खेल रहे थे। जैसे बाबर और हर्षवेल आउट हुए हैं, ये एकदम सारे आउट हो गए। सरफराज ने भी फिर से धोखा दे दिया सरफराज ने। आप क्या कहेंगे? बच्चों के साथ आए थे, डिसअपॉइंटेड हैं, लेकिन इट्स पार्ट ऑफ द गेम। कभी जीत जाते हैं, कभी हार जाते हैं, अगली दफ़ा जीतेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, हम तो आए थे पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट करने के लिए कि किसी तरह से वाइट वॉश से बच जाएं, लेकिन सरफराज ने आज ना हकीकत में धोखा दे दिया। अब सरफराज का हमें सोचना पड़ेगा, हमारे सिलेक्टर को सोचना पड़ेगा, PCB को सोचना पड़ेगा। वो बंदा ऐसा हिट मारना भी चाहे नहीं लगती उससे। मुबारकबाद देता हूँ श्रीलंकन टीम को जिन्होंने ये मैच जीता है, और पाकिस्तानी टीम के लिए ये शेम है क्योंकि ये घर में आके बी टीम जो है वो हमें हरा के जीत चली गई है। और जो हमारा सरफराज साहब है, इनके लिए जो है ना वो थोड़ा सा इबरतनाक होगा कि ये नहीं परफॉर्म कर सकता, इनको चले जाए, कोई और आ जाए इसकी जगह पे। सरफराज हमारे कैप्टन को चाहिए भाई इज्जत बचाओ और घर जाओ टाइम से, मेहरबानी है आपकी। मैं कहूँगी कि बहुत अच्छी बात है कि इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में आई है, लेकिन टीम को भी चाहिए कि बहुत अच्छी तरह खेले, अच्छा परफॉर्म करे। तीनों मैच हार के थोड़ा सा दुख हुआ, लेकिन आखिर पाकिस्तान टीम में सपोर्ट तो हम करते हैं, लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मैच जीते भी और अच्छा परफॉर्म करें। बाकी सपोर्ट तो हमारा है टीम के लिए और आगे भी देखते रहेंगे मैचेस। जी बड़ा मायूस कि आज सरफराज 11 ने बहुत ज़्यादा हमें परेशान किया। हम सियालकोट से स्पेशली सारे फ्रेंड आए हैं, ये हमारे ब्रदर हैं, ये अमेरिका से स्पेशली आए थे पाकिस्तान में सीरीज़ देखने, तो बहुत मायूस किया। टोटली पाकिस्तानी टीम को निकालना चाहिए, यंगस्टर को मौका देना चाहिए। जैसे श्रीलंकन टीम आई है, आप देख सकते हैं क्राउड कैसे, लोग बच्चे औरतें सब कुछ देखने आए हैं। वो हमारे ऑफिसर इतनी इन्होंने अपनी सिक्योरिटी दी है हम लोगों को, लेकिन सब बहुत इन्होंने जो है ना हमें परेशान किया हुआ है। तो, जिंदाबाद कि जो इस काबिल नहीं है, पाकिस्तानी टीम में खेलने के लायक नहीं है, काफ़ी सालों से हमारी आवाम का पैसा यूज़ करके पाकिस्तानी लेवल पे खेल रहे हैं, इंटरनेशनल टूर कर रहे हैं, लेकिन बहुत परेशान किया है। लेकिन हमारी तो यही गुजारिश है कि यह टोटली सरफराज 11 को बाहर निकालना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।